बच्चों, आज हम जानवरों के आहार के बारे में जानेंगे। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता या खरगोश है? तो बताइए, वो क्या खाते हैं? बिल्ली कभी फल नहीं खाती है और खरगोश को कभी आपने मछली खाते नहीं देखा होगा। सभी जानवर एक तरह का आहार नहीं खाते हैं। क्या आपको पता है बच्चों, गाय क्या खाती है? गाय घास, पत्तियां और खली इत्यादि खाती हैं। हम जानते हैं कि गाय, बकरी, हिरण, भैंस और ऊंट इत्यादि जानवर सिर्फ घास और पत्तियां खाते हैं। ये सभी जानवर मांस नहीं खाते हैं, अतः इन्हें हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं। लेकिन बिल्ली कभी घास या फल नहीं खाती। उसी प्रकार शेर भी घास या पत्तियां नहीं खाता। ये जीव मांस या मछली इत्यादि खाते हैं। इन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। शेर, चीता, भेड़िया, मगर इत्यादि मांस खाने वाले जानवर हैं। मांस खाने वाले जीवों को कार्निवोरस या मांसभक्षी भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि कौवा क्या खाता है? कौवा फल, सब्जी, अनाज, मछली, मांस इत्यादि खाता है। इसका मतलब है कौवा मांस और साग सब्जी दोनों खाता है। सिर्फ कौवा ही नहीं बल्कि कुत्ता, भालू, लोमड़ी जैसे जानवर भी दोनों प्रकार का खाना खा सकते हैं। इन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। इंसान भी सर्वाहारी होते हैं क्योंकि हम साग सब्जी और मांस मछली सब खाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कुछ जानवर जैसे गाय, बकरी इत्यादि सिर्फ पत्तियां और फल ही खाते हैं। उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं बच्चों। कुछ जानवर जैसे शेर, बाघ, बिल्ली इत्यादि सिर्फ मांस खाते हैं। उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। और जो मांस और साग सब्जी दोनों प्रकार का आहार लेते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे कुत्ता, कौवा, भालू इत्यादि। तो बच्चों, आप अपने आसपास के जानवरों को देखिए कि वो किस प्रकार का खाना खाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बाय।